SBL टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप IPPB बैंकिंग सिंपली अपने फ़ोन में पहले इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपके मोबाइल में कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस सामने आएगा। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ सेकंड वेट करना है। अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब हम यहाँ से अपना पिन डालेंगे। जो पिन से हमें यहाँ पे लॉगिन किया है वो एम पिन यहाँ डालेंगे। तो मैं अपना एम पिन यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ जो भी परमिशन मांगेगा हम उसे अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ से ये आपके सेविंग अकाउंट का बैलेंस है, आप यहाँ से अपना अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं। ये आपका अकाउंट नंबर है और आपको अगर अपने अकाउंट का स्टेटमेंट देखना है तो सिंपली आप यहाँ से अपने स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। आपको अब आपको यहाँ पे यहाँ आपका अकाउंट नंबर है और यहाँ आपका अवेलेबल बैलेंस शो करेगा। यहाँ से आपके ब्रांच का नाम देगा। ये आपके ब्रांच का नाम है, मेरा छापरा ब्रांच का अकाउंट है और यहाँ IFSC कोड है। अब ये देखिए, ये हमारा अकाउंट के नाम है जो हमारे पासबुक पे नाम है और ये कस्टमर आईडी है। इसके बाद हमें अब अपने अकाउंट के लास्ट 10 ट्रांजेक्शन ये हमें दिखा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, व्यू लास्ट ट्रांजेक्शन 10 ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस हमारे सामने आ गया। आप देख सकते हैं ये मेरा पासबुक है और ये 17 मई को मैंने 1 रुपये ट्रांजेक्शन किया था, फिर 17 मई को 1 रुपये और यहाँ से 15 मई को मैंने 150 रुपये ट्रांजेक्शन किए थे, फिर 150 रुपये। इसी तरह आप 10 ट्रांजेक्शन अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप भी अपने अपने पासबुक से 10 ट्रांजेक्शन हुए देख सकते हैं कि आपके मोबाइल से 10 दिनों में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है और कब कब हुआ है। यहाँ पे ऊपर राइट साइड में जो होम का बटन है, ये होम का बटन हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और होम पे क्लिक करने के बाद हम अपने होम पेज पे जाने के बाद सिंपली हम यहाँ से सेंड मनी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए अब हम सेंड मनी के बारे में जानते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। आप यहाँ से अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी बैंक के अकाउंट में, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का हो या फिर किसी भी बैंक का हो। और आप यहां से स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं और यहां से मैनेज बेनिफिशियरी पे क्लिक करके आप यहां से किसी के अकाउंट को ऐड कर सकते हैं या उसके अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से POSB स्वीप इन है और ये POSB स्वीप ऑफ है। और आप यहाँ से पे बाई QR, यहाँ से आप QR कोड स्कैन करके किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ होम का बटन है, हम होम के बटन पर क्लिक करेंगे और फिर होम के पेज पर जाएंगे। फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये जो अकाउंट दिखा रहा है ये पहले से हमने इसमें बेनिफिशियरी के रूप में सेट किया है। और आप यहाँ से फिर से नया बेनिफिशियरी यानी किसी के और अकाउंट को जोड़ सकते हैं। तो सेंड मनी पर आप क्लिक करके यहाँ से एक दूसरा अकाउंट जोड़ सकते हैं और आप यहां से
अगर इसी अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहां से रो के बटन पे क्लिक करेंगे। सिंपली जो बेनिफिशियरी हमने ऐड किया था उसे पैसे भेजने के लिए हम बेनिफिशियरी के अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहां से अमाउंट डालेंगे। तो मेरे अकाउंट में अभी 2 रुपया है, हम यहां से अपना अमाउंट डाल लेंगे। तो चलिए हम आपको मनी ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। आप यहां से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम अभी सिंपली 2 रुपया हैं, अभी मनी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। आप यहां अमाउंट डालेंगे और रिमार्क्स कुछ भी डाल देंगे, आप उसका अकाउंट होल्डर का नाम डाल देंगे या कुछ भी डाल देंगे और यहां से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे तो आपका सक्सेसफुली मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अमाउंट और रिमार्क डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको यहाँ से यहाँ IMPS इसे नहीं चुनना है, ये चार्ज काटता है, और आपको NEFT स्टैंडर्ड पेमेंट चुनना है। ये आपको कोई भी चार्ज नहीं काटता है, आप 10,000 तक बिना कोई चार्ज के आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम बैक चलते हैं। आप यहाँ से स्टैंडर्ड पेमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर दीजिए, कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे। आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से चेकबुक कैसे लेते हैं, MMID मनी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, कैसे इसे चालू करते हैं, और यहाँ अपडेट नॉमिनी अपडेट कैसे करते हैं, पैन कार्ड अपडेट कैसे करते हैं, और आधार कार्ड के द्वारा कैसे पेमेंट करते हैं, ये आदि सारी बातें आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाल बटन में सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए बाय बाय।